बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक करता हूँ आपको जीके के नए लेक्चर में। सो वॉइस को आप समझ सकते हैं थोड़ा कम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब है 3 4 दिनों से कंस्टेंट में, तो वॉइस में थोड़ा फ़र्क आएगा। हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई ऑडियंस को दूसरा वीडियो देखती है, कोई कौन सा देखता है, तो वॉइस का थोड़ा फ़र्क है, तबीयत ख़राब थी, तो इसी हिसाब से थोड़ा आप मैं यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा लाइक वगैरह कीजिएगा कि मेरा हौसला बढ़े, ठीक है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ये भी क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के। यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 में जो प्रेसिडेंट कौन था, वर्ल्ड वार में था वुड्रो विल्सन था, एंड फ्रैंकलिन रोजवेल्ट वर्ल्ड वार 2 के दौरान था, एंड इसने जो है ना इस्तीफा दिया था। फिर उसके बाद जो है हेनरी ट्रूमेन आया था, एंड इसके जाने के बाद हेनरी फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जाने के बाद कुछ दिन के बाद वर्ल्ड वार 2 की एंड हो गई थी। जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था, आई थिंक। सो इतनी डिटेल सी मैंने आपको बता दी जो मुझे आ रही थी, ठीक है। व्हिच कंट्री इज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फेडरेशन? फेडरेशन में ऐसा आप समझ रहे हैं फेडरल कंट्री या फेडरल टेरिटरी, तो इनमें से ओल्डेस्ट कौन सा है? तो ब्रिटेन है, इटली है, रशिया है, यूएसए। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर इसका होगा यूएसए। मैं जा रहा था फेडरेशन रशिया पर, लेकिन नहीं, करेक्ट आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको कहते हैं भाई फेडरल गवर्नमेंट, सबसे पहले जिसको ऐसे कहीं के बनी थी। जैसे पाकिस्तान में हमारा फेडरल कंट्री है ना। तो नेक्स्ट सवाल पूछता है कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक देन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको कब फाउंड किया गया था? आई थिंक 1945 में किया गया था, जस्ट जैसे हमारी हुई थी 1945 अक्टूबर में हुई थी हमारी यूएन हुई थी, ठीक है, वैसे ही हमारी 1945 में हुई थी हमारी यूनेस्को की फाउंडेशन। एंड अभी इसके अंदर कितने मुल्क हैं? इसके अंदर हैं 193 मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं यानी। इसके अलावा और साइट से जो हैं, इसकी जो हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स है, तो वो 1100 से ज़्यादा हेरिटेज साइट्स है, जिसमें पाकिस्तान के भी आती है, इंडिया के भी, हर दुनिया के हर कंट्री की आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ऑस्कर ऑफ साइंस, ठीक है, ये अवार्ड है जो कि दिए जाते हैं मेनली मेनली गूगल का जो क्रिएटर है, क्या है उसका नाम है यार, एक फेसबुक का भी है मार्क जुकरबर्ग, एंड गूगल का कौन सा है यार, हेनरी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये अवार्ड दी शुरू गए थे 2012 में, पर्टिकुलरली एक मार्क जुकरबर्ग था एंड सरजी बिन, गूगल का जो बहरहाल एक सीईओ या फाउंडर है उस, वो भी इसको मिल देते हैं। एंड ये वाला अवार्ड स्टीफन हॉकिंग को भी मिल गया है, एंड इसकी जो प्राइज मनी है वो है 3 मिलियन US डॉलर्स, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग ऑलरेडी मिल चुका है, एंड ये दिए जाते हैं ब्रेक थ्रू अकेडमी की जानिब से, ये साइंटिफिक फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है। ब्रिक्स की फाउंडेशन कब हुई थी? ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में एड किया गया था, लेकिन इस ग्रुप की फाउंडेशन कब हुई थी? वो हुई थी आई थिंक 2006 में हुई थी, 2006 में हुई थी, एंड इसकी इसका जन्म हुआ था 2006 में हुआ था। एंड कॉइन सबसे पहले जो 2001 में इसका ये ट्रम्प कॉइन कर दिया गया था गोल्डमैन सैक्स के एक साफ ही थे, ठीक है। बहरहाल उस डिटेल को आप छोड़ दें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। पर्टिकुलरली में ब्रिक्स की जो एक मेन स्पेसिफिक है वो है क्या है, दुनिया की जो 40% पॉपुलेशन वाला कंट्रीज है ना, इसमें आ जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी है 16 ट्रिलियन डॉलर्स की, एंड इसमें जो लोग आ जाते हैं दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं उसके 4 बिलियन पॉपुलेशन, इतना पावर है इनका, ठीक है, बात को समझ सकते हैं ना, बहुत बड़ा ग्रुप है। अब हमारा साइंटिफिक सवाल आता है जनरल साइंस के रिलेटेड, अ पर्सन कैन रिकॉग्नाइज अ साउंड कम से कम कितने का हो? 0.05 सेकेंड, 0.06 सेकेंड, 0.07, 0.8। तो इसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं चलेंगे, तो इसको हम मैं बता दूँ सीधा सीधा 0.05 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होना है। फिर नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, द मोस्ट पॉपुलर नेम इन द वर्ल्ड, दुनिया का जो मोस्ट पॉपुलर नेम है, मशहूर, पॉपुलर,
वो नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो लास्ट प्रॉफिट हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है। एंड एक सर्वे की गई थी, पेरेंट सर्वे एक नाम करके कंपनी, ये मैगजीन है क्या भी है, 2022 में। तो बताया जा रहा है कि 150 मिलियन पीपल लोगों का दुनिया के अंदर ये नाम है। 150 मिलियन कितने होते हैं, 15 करोड़ आई थिंक, 15 CR। 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़, एंड 150 मीन्स 15 करोड़। ठीक है, एंड बाय द वे मोहम्मद लफ्ज़ जो है ना, उसकी मीनिंग है प्रेज वर्थी, उसकी तारीफ के काबिल। ओल्डेस्ट लार्ज स्केल फिल्म स्टूडियो इन द वर्ल्ड, दुनिया का जो ओल्डेस्ट लार्ज स्केल स्टूडियो है ना, वो है बेबल्सबर्ग फिल्म स्टूडियो। ठीक है, एक पैरामाउंट स्टूडियो आपने सुना होगा, डिज्नी स्टूडियो वगैरह सुना होगा, ये सबसे ओल्डेस्ट है। नेम ऑफ द लोअर हाउस ऑफ रशियन फेडरेशन लेजिस्लेशन, तो रशिया की जो फेडरेशन लेजिस्लेशन है उसका लोअर हाउस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेट डमा। एंड फेडरेशन काउंसिल इसका क्या है, अपर है। सुप्रीम यूनियन को छोड़ दें, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है एमपीज जहाँ पर बैठते हैं। अमेजोन के ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट को आल्सो नोन क्या कहते हैं, सेलवाज कहते हैं, सेलवाज, सेलवाज। एंड अमेजोन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कहा जाता है कि लंग्स ऑफ द अर्थ, धरती के जो फेफड़े हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। एंड अमेजोन फॉरेस्ट के जो रेन फॉरेस्ट है इसके अंदर बताया जाता है कि दुनिया की 3 मिलियन स्पीशीज हैं। 30 लाख भाई, बहुत ही बड़ा नाम है। एंड ये एक फैक्चुअल बात है कि जो अमेजोन का फॉरेस्ट है ना, वो ग्लोबल 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, O2 मीन्स ऑक्सीजन, इनका कंट्रीब्यूशन है भाई, हेड्स ऑफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ूंगा कि सवाल आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि व्हिच लोगो इज डिपिक्टेड ऑन द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर जो होता है ना, वो होता है पांडे, पांडा का तस्वीर वगैरह आप मान लें आप होता है। ठीक है, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये मोस्ट वर्नेबल, इसको अभी बहुत डेंजर है, इस हिसाब से इसको पांडे, पांडा का पिक्चर लगाया जाता है कि भाई इसको कंजर्व किया जा सके, इसको बचाया जा सकते। एंड ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर ये शुरू किया गया था 1961 में, वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं, ऐसा समझिए आप। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप का जो यंगेस्ट कंट्री में छोटा कंट्री वो क्या है, कोसोवो। ठीक है, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा, लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरी हिम्मत को भी सलाम दें, भाई साहब इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी, टोटल नोज ब्लॉकेज के बाद भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई होप कि आला आपको SF में कामयाबी देगा, एंड आप मुझे चैनल में भी कामयाब कर दें। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।